हमारे साथ बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी साहब जुड़ गए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया सर। प्रतिक्रिया है कि जो भी समझौता होगा तो उसमें कई ऐसी बातें हैं जो बदले नहीं जा सकते। एक है कि संहिता के अनुसार मुझे सब हिंदुओं को एक मूलभूत अधिकार है कि राम लाला के जन्म स्थान पर पूजा करने के लिए जिस जगह में आस्था कहती है वो पैदा हुए, इसके बाहर हम कहीं और नाम मंदिर के नहीं बना सकते हैं। तो वो एक बात है जिसको टाल नहीं सकती, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं टाल सकती है। दूसरा है कि मस्जिद जो है वो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, मस्जिद कहीं भी बनाया जा सकता है और अरब देशों में तो मस्जिद तोड़ते रहते हैं सड़क बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। तो मस्जिद बनानी है तो इस राम जन्मभूमि के परिसर से बाहर बन सकती है। और तीसरा है कि सरकार ने इस सारी जमीन को राष्ट्रीयकरण कर लिया है और उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है, सरकार को आदेश भी नहीं दे सकती है कि जमीन को छोड़ो। सिर्फ मुआवजा के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या न्यायपूर्ण है वो तय कर सकती है। इस तीन बातों के अंतर्गत जो भी फैसला करना कर सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, आपने आपने दो बातें की और जो तीसरी बात आपने जमीन अधिग्रहण को लेकर की, मैं उस पर बाद में आऊंगी सर, लेकिन मैं आपसे जो बात समझना चाहती हूँ वो ये, आप खुद कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपको खुद कितना भरोसा है कि इस पूरे मामले को निपटा लिया जाएगा, सुलझा लिया जाएगा? आप ऑप्टिमिस्टिक है कि चार हफ्ते में इसका सोल्यूशन आ सकता है? मुसलमान बोर्ड मान लें कि हम मस्जिद और कहीं बना लेंगे, मामला खत्म है, फिर समझौता हो गया है। मुस्लिम सुन्नी वाकफ बोर्ड का जिद कि वहीं बनाएंगे जहां राम पैदा हुए, ये तो हम मान ही नहीं सकते। तो यहाँ पर आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप हिट कर रहे हैं कि एक तरफ हिंदू पक्ष है, राम जन्म भूमि वो कहता है यहीं पर रामलला का मंदिर होना चाहिए, वही विवादित जमीन भी है, मुस्लिम पक्ष को उस पर अपना हक जो है उस पर सहमति जतानी होगी। कुल मिलाकर आपसे मैं वही सवाल बार बार पूछ रही हूँ कि आपको लगता है चार हफ्ते बाद इस पूरे मामले में किसी अच्छी खबर की उम्मीद राम भक्त कर सकते हैं? आपने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। अच्छी खबर यही हो सकती है कि जो हिंदुओं का मूलभूत अधिकार है उसको वंचित नहीं कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती है, और मुसलमान की मस्जिद कहीं भी बन सकती है तो और कहीं बनाए, ये हो सकता है समझौता, नहीं तो कोर्ट में लड़ो। अच्छा सुब्रमण्यम स्वामी साहब, बीच में इस तरह की खबरें भी आई कि हिंदू पक्ष में जो थे वो सभी पार्टी अग्री नहीं कर रही थी कि भाई मीडिएशन के रास्ते जाया जाए। वो तो अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, उनको अधिकार है इस पर जांच करने के लिए। पहले श्री रविशंकर ने अकेला प्रयास की थी, अब कमेटी में है, प्रयास करने दीजिए, परंतु ये जो दो बातें मैंने कही तो कोई बदल नहीं सकता। वहाँ मंदिर जहाँ आस्था कहती है राम पैदा हुआ वहीं बनेगी, पहले भी था, वो भी प्रूव हो गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे से और आज आगे भी बनेगा। आज जहाँ तक मुसलमान हैं उनको मस्जिद चाहिए, दूसरे कहीं और जगह में बना दें। इन दोनों पक्षों के आधार पर समझौता हो सकती है, परंतु अन्यथा कोर्ट में फैसला हो। अच्छा सर, मैं आपसे एक और बात समझना चाहती हूँ, आपने जो थर्ड पॉइंट रखा था अधिग्रहित जमीन को लेकर, आपको लगता है जहाँ एक तरफ मीडिएशन का प्रोसेस ऑन है, आपने कई बार ये बात कही है कि जो गैर विवादित जमीन है उस पर मंदिर का काम शुरू होना चाहिए, क्या आप अभी भी उसी बात पर कायम है कि एक तरफ ये मध्यस्थता जारी है? ये जमीन किसी का नहीं है, सरकार का है, सरकार ने उसके अधिग्रहण कर दिया है या राष्ट्रीयकरण कर लिया है, और सरकार अयोध्या एक्ट के अंतर्गत जो अधिग्रहण किया है उसमें धारा 6 के अनुसार सरकार किसी को भी दे सकती है जमीन, तो इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है कि इसको देना उसको देना, जो कोर्ट में जीतेगा उसको देना, ऐसा कोई नहीं है। और इसीलिए ये व्यर्थ करने समय का सुन्नी वक्फ बोर्ड को समझ लेना चाहिए, मुआवजा लेकर कई वक्त और जाकर मस्जिद बनाना चाहिए। ठीक सर, थोड़ी देर पहले आपकी तरफ से एक ट्वीट किया गया था, आपने कहा जो दो प्राइम मिनिस्टर जिनकी तरफ से इस राम मंदिर के निर्माण की अयोध्या में कोशिश की गई, नरसिम्हा राव और राजीव गांधी, दोनों कांग्रेसी थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब 180 डिग्री फिर से घूम गई है, इटालियन इन्फ्लुएंस, वो जलन में घूम गए, सारा क्रेडिट बीजेपी को जाएगा उस डर में। हिम्मत से कहना चाहिए कि हम ही ने ये सब शुरू किया था। शुक्रिया सुब्रमण्यम स्वामी साहब अपनी बात जी न्यूज पर रखने के लिए और आपके इन कमेंट्स के लिए।